गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑफ मैथ्स चैप्टर 16 पेज 117। स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू प्रैक्टिस फॉर पैटर्न। स्टूडेंट्स देखो आज हम पेज 171 में पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। पैटर्न क्या होता है बेटो? सीक्वेंस में लिखना, ठीक है, राइट ऑर्डर में लिखना पैटर्न कहलाता है। देखो पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये ए है हमारे पास, जो हमारी अल्फाबेट का फर्स्ट बड़ा ए, ठीक है। उसके बाद बी, ये देखो ए और बी, और बेटो इसी पैटर्न को हम आगे चलाते जा रहे हैं। देखो ए और फिर बी, उसके बाद ये देखो ए बी, ये बेटा ऐसे ही हम इसको पूरा करेंगे, इस पूरी लाइन को सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। सेकंड देखो ये पहले हमारा क्या स्केयर, क्या बेटो स्केयर, ये तो आपको पता है स्केयर जिसकी चार भुजाएं बेटा बराबर होती है स्केयर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सर्कल, उसके बाद क्या है सर्कल देखो, उसके बाद फिर स्केयर, ओके, उसके बाद फिर सर्कल, ठीक है। सबसे पहले क्या है स्केयर, फिर सर्कल, फिर स्केयर, फिर सर्कल, कैसे बेटा हमने ये लाइन कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम क्या लगने के लिए यहाँ पे स्क्वेयर और फिर सर्कल, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट, ये बेटा हमारा पहले क्या है ट्राइंगल, उसके बाद ये रेक्टेंगल और उसके बाद सर्कल, ठीक है। इसी स्क्वेयर को हम आगे जारी रखेंगे, उसके बाद ये क्या है ट्राइंगल, फिर ये रेक्टेंगल और फिर ये सर्कल, इसके बाद फिर हम यहाँ ट्राइंगल कहेंगे, फिर रेक्टेंगल और फिर ये सर्कल। तो ऐसे बेटे ने हमें अपनी स्क्वेयर से ये लाइनें कंप्लीट कर दी है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न। नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखो ये आपके ये एरो है, देखो एक एरो का ऊपर है और एक का नीचे, एरो क्या है ये एरो, एक एरो का वो ऊपर है बेटो और एक का नीचे, ये नेक्स्ट ऐसे ही फिर ये एक एरो का वो ऊपर और एक, ये दो हमको साथ साथ लाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे देखो ये एक एरो का ऊपर और एक का नीचे, ऐसे हम और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, ये देखो ये एक्स, ये वन एक्स है, उसके बाद वन टू टू एक्स है, वन टू थ्री है, उसके बाद वन टू थ्री फोर, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है बेटो। तो ये आज हमने पैटर्न पढ़ा है, और तो बेटो पैटर्न आप समझ गए, सीक्वेंस में लाइन को कंप्लीट करना पूरा करना क्या कहलाता है पैटर्न, ठीक है। या आप अच्छे से समझो बेटा, सबसे पहले देखो ए बी, फिर ए बी और ये ए बी, ऐसे हमने पूरी लाइन कंप्लीट की। उसके बाद ये देखो हमारा स्क्वेयर था, फिर उसके बाद सर्कल, फिर स्क्वेयर, फिर सर्कल, फिर स्क्वेयर, ये पैटर्न को ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपको दिया हुआ बेटो देखो, इसमें तीन है, तीन शेप है, पहले है ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है। तो बेटे ये आपको तीन शेप दिए, उसके बाद देखो ये वापस हमारा क्या है ट्राइंगल है, उसके बाद क्या आ गया हमारा रेक्टेंगल है, उसके बाद हमारा क्या आ गया सर्कल। ये देखो तीनों जो शेप हमारे कंप्लीट होगी, उसके बाद हम फिर वही दोबारा क्या बनाएंगे हम ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिपीट करना है हमको, ठीक है ना, ये एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, उसको फिर हमने रिपीट किया एक एरो ऊपर एक नीचे, ऐसे होता हमको रिपीट करते जाना। नेक्स्ट देखो ये मैंने समझाया आपको, वन एक्स, फिर टू एक्स, फिर थ्री एक्स, फिर फोर एक्स, फिर फाइव एक्स, ठीक है बेटा। ये फेज मैंने आपको अच्छे से 172 से आपको समझा दिया है, और बेटो आप 172 पेज अपने आप अच्छे से ये पहले वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे और उसको कंप्लीट करोगे।